मुंबई के छोटे छोटे पिंजरों जैसे फ्लैट्स में जिंदगी जैसे सिमट के रह जाती है। मैं सुनील कपूर हमेशा से यही चाहता था कि शहर से दूर वादियों में मेरा एक घर हो, बसेरा हो। और फिर ढूंढते ढूंढते एक दिन मेरी ये तलाश खत्म हुई। मुझे मिला मुंबई के पास ही मोहली की खामोश वादियों में एक प्यारा सा खुला सा घर, और वहाँ मैंने अपने दोनों प्यारे बेटों को बुलाकर सरप्राइज दिया। हमारे लिए बनवाया है। संजना, टाई और हैंकी। जरा ध्यान से देखिए ना, वही कबर्ड की थर्ड ड्रॉअर में रखा है। कहाँ है यार? अच्छा, मैं खुद आती हूँ। एक काम भी खुद नहीं कर सकते, आपसे तो ना बच्चे अच्छे हैं। चिल्लाते रहते। अब क्या है? मिल गया। आप भी ना कमाल करते हैं। क्या हुआ? जल गया। कब हम लोग ऑफिस पहुंचेंगे, कैसे मैनेज करूंगी? जानू, अभी क्या है यार, ये नॉट नहीं लग रहे ना बराबर। सुनील, आपसे एक टाई की नॉट तक नहीं बनती। आपको तो ना बच्चों के साथ स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए। ओके, वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है आज। अच्छा, तो क्या रोज खाना मैं जला देती हूँ? अगर आपको रोज मेरे जितना काम करना पड़े ना सुबह सुबह, तब आपको पता चले। मैं इस खुशबू की नहीं, इस खुशबू की बात कर रहा था। सुनील, पापा आई एम रेडी। Come on, fast juniors. Have a strong breakfast. मेरे शेरदेव पुत्रों, बहुत कुछ करना है लाइफ में। ये लो। रोहित और ये रौनक। Yes, अब आएगा मजा। चलो पियो, दूध पूरा फिनिश करना है, ओके? और रोहित, रौनक को बिल्कुल परेशान नहीं करना। और मेरे लिए क्या? आपके लिए जूस लाती हूँ। ओके, वेरी गुड। ये रहा आपका जूस। रौनक, रोहित, फटाफट दूध फिनिश करो। चलो। यस मम्मा। अरे जूस तो आराम से पीजिए आप। तुम कुछ नहीं लोगी क्या? नहीं, मेरा आज फास्ट है। आप कार निकाल लीजिए, मैं फटाफट रेडी होकर आती हूँ। चलो किस, फटाफट आ जाओ, फिनिश इट। लाइट स्विच ऑफ की थी? यस मॉम। यस मॉम, यस मॉम। टेरेस का दरवाजा लगाया था? यस मॉम। और खिड़की? यस मॉम। कम ऑन फास्ट। अरे यार, शेर दे पुत्र हैं, सारा काम चंगा ही करेंगे। अरे
Yes, mom. Papa is right. अब आप अपनी बताइए, आपने अपनी फाइल्स रख ली? Yes, mom. आप लोगों से तो ना बात करना ही बेकार है. छोटा सा अपना संसार, मम्मी पापा और हम टू करते हैं आपस में प्यार. का सी दूरी भी चुभती है, उम्मीदों से भी लंबी लगती है. इनका दिन का सी दूरी भी चुभती है, उम्मीदों से भी लंबी लगती है. कोई झूठा मूठा ही रूठ जाए, ना बोले ना हंसे ना मुस्कुराए. एक दूजे के बिन तो लगता दुश्वार है, आपस में हमें बड़ा प्यार है. आपस में हमें बड़ा प्यार है. खुश है फिजा खुशगवार है, आपस में हमें बड़ा प्यार है. आपस में हमें बड़ा प्यार है. बिलावी चदर We are together.
मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछने वाली हूँ। क्या? लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच्चों के लिए क्या होती है? मैं बोलूँ? एक एक करके वन बाय वन। वन टीचर। ओके। यस यू। टीचर। चैटिंग। रॉन्ग। यू टेल मी। कीपिंग अवर हेल्थ गुड। नो। रॉन्ग। सिट डाउन। यू टेल मी। कॉमिक्स। नो। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके रोहित, तुम बताओ। पेरेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। या सिट डाउन। बहुत अच्छा बोला तुमने बेटा। हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यस, गुड वर्क डन। यस, 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 यस। मुझे ना जल्दी घर जाना पड़ेगा, रौनक रोहित फोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया। मैं निकलती हूँ। हाँ, तुम यहाँ से मैनेज करो। ओके मैम। सामने आओ। किसने मारा? ए, सामने आओ। छुप छुप के क्या वार करता है? कौन है ये आदमी? कौन आदमी? मुझे वाला आदमी शायद उसी घर पे रहता होगा। अगर उसे पता चला ये बॉल मेरी थी तो क्या वो मुझे भी मार डालेगा? लगता तो वही है। सामने आओ वरना गोली मार दूंगा। रोहित, रौनक, रोहित। रोहित, रौनक, कब से फोन कर रहे थे? मैं क्या कर रहे थे तुम लोग? हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? ठीक तो हो ना तुम दोनों? और फोन? गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग। गरम गरम चाय। वाह, सुनो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। खुला आसमान, शांत माहौल, फ्रेश एयर, शहर की भागदौड़ से दूर। पूरा हफ्ता काम करने के बाद बस दो दिन चैन के मिल जाएं, और क्या चाहिए इंसान को। चलो अच्छा है, आप खुश हैं? हाँ, क्यों तुम खुश नहीं हो? ऑफ कोर्स खुश हूँ। वैसे जनाब, आप ये मत भूलिए, ये घर लेने के लिए इंसिस्ट मैंने ही किया था। ओह, थैंक यू वेरी मच। वैसे ऐसी जगह पर तो लोग अक्सर पिकनिक मनाने आते हैं, हमने तो अपना बसेरा बना लिया है। कितने लकी हैं हम। सच, बहुत सुकून है यहाँ। और देखो बच्चे कब से खेल रहे हैं। ये, यस। वैसे तो हमेशा से मैं यही चाहता था कि मेरे बच्चे किंग साइज लाइफस्टाइल जिएं। मैं जानती हूँ आप बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मूछ वाले अंकल यहाँ पे? अभी जाके रोहित को बताता हूँ। कौन है? छुप छुप के वार करता है, हिम्मत है तो सामने आओ। अरे यार, अपने शेर दे। अरे रोहित। अरे रोहित, क्या हुआ? पापा और गणेश अंकल। गणेश अंकल, एक्सक्यूज मी,
Gentlemen, does it belong to you? Yes, plane. Oh, ये मेरे बेटे का है. Thank you, thank you. Thank you तो मुझे करना चाहिए क्योंकि ये मुझे यहाँ आके लगा है. Oh, sorry. वैसे by the way, ये मेरा बड़ा बेटा रोहित. जानक? Sorry अंकल, sorry. और ये मेरा छोटा बेटा रौनक. और भी बचे हैं? जी नहीं सर, बस हम चारों की छोटी सी फैमिली है. Thank God. वैसे आई एम सुनील कपूर, मैनेजर आर ए मोटर्स, और ये मेरी धर्म पत्नी संजना कपूर. नमस्ते सर. हम आपके नए पड़ोसी हैं. And I am Colonel रणबीर सिंह, रिटायर्ड कर्नल ऑफ आर्मी, एक्स सर्विस मैन. और मैं इनकी आर्मी वाइफ. नमस्ते जी. नमस्ते. आप यहाँ कैसे आ गए? आंटी, एरोप्लेन से. क्या कहा बेटा? आंटी, मेरा एरोप्लेन उड़ के अंकल को लग गया था ना, अंकल तो उसे देने आए थे उसी से. चलो इसी बहाने सर आपसे मुलाकात तो हो गई. मुलाकात का तरीका प्यारा लगा. सच, बच्चे बहुत प्यारे हैं. आप इन्हें आर्मी में भेज दीजिए क्योंकि इनका निशाना बहुत अच्छा है. ये तो बहुत अच्छा हो गया आप लोग यहाँ आ गए. कम से कम बच्चों की वजह से मेरा वक्त अच्छा कट जाएगा ना. जी चलिए, अब तो आप हमारे पड़ोसी हो गए, कभी भी आपको दावत पर बुला सकते हैं. So nice of you, auntie. Thank you. वैसे हमारे कर्नल साहब को खाना बनाना बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. Once in a blue moon. अच्छा, तो आपका खाना जरूर खाना पड़ेगा. ये और बता दीजिए सर कि वो ब्लू मून कब आता है. Hey, क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या लिखा है? फूल तोड़ना मना है. तो कर क्या रहे थे तुम? सॉरी अंकल. अंकल? I'm not your uncle. I am retired colonel from army. Okay, sorry colonel, retired army auntie. ओए, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा. तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज के बाद यहाँ से फूल नहीं तोड़ोगे, समझे? रहने दो ना अंकल, बच्चा है. बच्चा? और तुम क्या हो? ओए, तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो? मैं? तुम घास के ऊपर स्कूटर चला रहे हो. मालूम है ये घास कितनी मेहनत और कितने इंतजार के बाद होती है? सॉरी अंकल. सॉरी अगेन. ये अंग्रेज लोग चले गए लेकिन सॉरी पीछे छोड़ गए. जानबूझ के गलती करो और सॉरी बोल दो. हमारी आर्मी में ऐसा नहीं होता है. हमें आर्मी में डिसिप्लिन सिखाया जाता है जो तुम दोनों में नहीं है. नॉटी. क्या पॉटी? हमने तो नहीं की पॉटी. What? अरे क्या हुआ कर्नल साहब, क्यों सवेरे सवेरे इन छोटे से प्यारे से बच्चे को डांट रहे हो? फौजी जवान नहीं है, पड़ोस के बच्चे हैं, ऐसे ही बिना भात के डांटते रहते हैं. डांट नहीं रहा हूँ, डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ. डिसिप्लिन आगे से याद रखना, कभी आर्मी में जाना पड़ेगा तो समझोगे. आपकी आर्मी आपको मुबारक. डिसिप्लिन डिसिप्लिन मैं नहीं हूँ काफी. आओ बेटा, मैं आपको हलवा खिलाती हूँ. हलवा? कितने प्यारे से बच्चे. आजा बच्चा आजा, हलवा खिलाऊंगी, गर्मा गर्म हलवा. चला चलो. हलवा? हाँ हलवा. रिटायर हो गए पर फौजी की अकड़ नहीं गई. रिटायर हो गए? रिटायर होने के बाद भी फौजी फौजी रहता है, तुम क्या समझोगी? फौजी चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता. अंकल का है ना? हाँ जी बेटा. वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हो. अंकल आ जाएंगे, चलो चुपचाप बैठ जाओ. बैठ जाओ. हाथ आ जाएगा, हाथ. आओ बेटा चलो आओ. आंटी ये किसकी फोटो है? फ्रेम. ये आपका बेटा है क्या?
वाओ कैमरा। रोहित चल तेरी फोटो खींचता हूँ। ये ले पोज। हाँ हाँ खींचेंगे खींचेंगे, अंकल आ गए तो दोनों की फोटो खींचाएंगी। आ जाओ बैठो, मैं हलवा लेके आती हूँ, तुम दोनों बैठो। मेरी किसी चीज को छूने की कोशिश मत करना, मेरे लिए सब बहुत जरूरी है, बेहद कीमती है। मेरे फादर, उनके फादर, मालूम है कब से जमा कर रहे हैं ये सिक्के, समझे? और ये चक्र, ये मेरी जिंदगी है, इसे अगर कभी छुआ तो गोली मार दूंगा। इस बॉक्स में रख रहा हूं, अगर कभी बॉक्स को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाय बाय बेटा। कैसे करते हैं बच्चों के साथ बात? क्यों? ऐसा क्या, भी क्या? क्या हो गया? हर समय डांट डांट डांट। पापा भूख लगी है, मम्मी भी बिजी है, प्लीज पापा मुझे पिज्जा खाना है। पापा मुझे भी पिज्जा खाना है। ओके डोंट वरी गाइस, अभी लो। हेलो ग्रेशियस पिज्जा। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब मैं यहाँ पूरे घर की सफाई कर रही हूँ और आप तीनों मजे से बैठकर यहाँ पिज्जा खा रहे हैं। और ये बच्चे तो ठीक है, पर आप तो कम से कम मुझे एक मेड लाकर दे सकते हैं ना? अरे मेड, वही तो मैं सोच रहा था। ये देखो, ये है येलो पेजेस और ये रहा फोन। अभी बस फोन करने ही वाला था कि ये दोनों आ गए। ये बोलते भूख लगी है, पिज्जा खाना है, तो मैं क्या करता, पिज्जा ऑर्डर कर दिया और अब मैं मेड ऑर्डर कर देता हूँ। ओके हेलो हेलो, इजी होम? यस आई एम सुनील कपूर फ्रॉम माहेलो मेडोज। या एक्चुअली वी नीड ए मेड, आ रहे हैं कल। ओके द इंटरव्यू इज टुमारो। अच्छा भाई बस बस, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम कांता भाई है। काम क्या क्या जानती हैं आप? साफ सफाई, चौका बर्तन, झाड़ू कटका, जरूरत पड़ा तो फटका। 4 दिन छुट्टी के साथ महीने का पगार होएगा 2500। 2500? अगर यस तो कल से आती मैं, अगर नो तो जाती मैं। अयो 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 रामा, साहब आप मेरे को बुलाया और मैं आया। तुम्हें घर का काम आता है? अयो साहब, काम क्या नहीं आता मेरे को,
घर में कपड़ा धोना, लादी पोछना, पूरा घर ही साफ करती ना मैं। नाम क्या है तुम्हारा? अयो मेरा नाम जी, मेरा नाम ऐश्वर्या नारायण अयप्पा। लेकिन साहब आप हमको प्यार से ऐशु बोलो ना। अच्छा लगता। दोनों बच्चों की देखभाल अच्छे से करनी है, उनको खाना वक्त पे बनाकर देना है और घर की साफ सफाई करनी है। बच्चा, इतना हैंडसम आदमी का हैंडसम बच्चा। बच्चा क्या साहब, मैं तो आपको भी संभालेगी। आई एम रेडी। नेक्स्ट। हेलो हेलो, आई एम पैग रोज। आई एम अ ग्रेजुएट इन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड गवर्नेस। I heard there's a vacancy here, sir. Yes. Oh, that's lovely. Before you consider me, I want to tell you that I worked in a lot of celebrity homes, you know, like Sridevi and Kajol. They are lovely moms, of course, but every mother needs a helping hand sometimes. And you know how kids are these days. Would they be just raising children or would there be other duties such as cooking and cleaning? We have two kids. Aren't they a little young to be given to the governess? Star Domestic Services. Yes, sir. Haan, yes. I am Sunil Kapoor speaking from Mahoni Meadows. Oh, Rohit aur Ronak ke papa. Yes, Rohit aur Ronak ke papa. Hame ek maid chahiye thi. Oh, sorry sir, we are extremely sorry. Sorry. खामोशी से नहीं बैठ सकते? कितनी पुरानी बच्चे हैं, मन चंचल होता है, कुछ नया देखते हैं तो उसे जाने की इच्छा होती है मन में। हाँ, मैंने ठेका लिया इन्हें बताने का और मेरी सुनते हैं ये। बच्चों को प्यार से समझाओ तो वो दोस्त भी बन जाते हैं। हाँ, हाँ, आराम से समझाओ तो समझ भी जाते हैं। हाँ, बहुत समझदार है वो। समझ जाते हैं। खाओ बेटा। हेलो, ये मिसेस कपूर जी। हाँ है ना। हाँ हाँ दोनों है। हाँ मैं भेजता हूं, तुम्हारी मम्मी का फोन है। बाय आंटी, बाय अंकल। बाय आंटी अंकल। ये आजकल के बच्चे। आपने झूठ क्यों बोला? तो क्या करता, उन्हें अपने आप को तंग करने देता? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन बच्चों का यहाँ आना मुझे पसंद नहीं है। आपको तो हर बात में बच्चों का ही दोष नजर आता है। वो गलती करते रहे, मैं उन्हें माफ करता रहूं। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं शांति से जीना चाहता हूँ।
पता नहीं कहाँ से आ गए ये दोनों मुझे तंग करने। आपको पता नहीं क्या हो जाता है, वो बच्चे हैं, वो अपना बचपन जी रहे हैं। बचपन जी रहे हैं, हमने भी बचपन जिया है, हमें भी मालूम है। वो बच्चे हैं, हमारे वक्त में ऐसे होते थे बच्चे, वो ना समझे। बच्चों को एक जगह शांति से बैठना नहीं आता, बड़ों बुजुर्गों की इज्जत करनी नहीं आती। वो नादान है, जानबूझकर तो वो नहीं करते, लेकिन हो जाता है, नहीं तो बस। नहीं तो क्या? या फिर आपकी किस्मत ही खराब है? जी नहीं, मेरी किस्मत खराब नहीं है, वो शरारती है, शैतान है, बदतमीज है। नहीं, वो मासूम है, प्यारे है, नादान है। Come on, Junius, come on. Yes, yes, yes. Yes. Very good. Yes. Rohit. Rohit. Oh, mummy. Rohit, क्या हुआ? मैं कह रही थी ना आप लोगों से धीरे खेलिए। क्या हुआ रोहित, बात करो मम्मी से। रोहित, मम्मा लग गई ना इतनी जोर से, आप भी ना बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। बात करो रोहित मम्मी से। रोहित तुम ठीक तो हो ना? बुलाइए ना डॉक्टर को। हाँ, अभी अभी। Relax, mom. I'm okay. अरे बच्चों का प्लानिंग था, हम मजाक कर रहे थे। यह मेरी जान निकल गई और आप तीनों को मजाक सोच रहे? आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना इन दोनों में मेरी जान अटकी हुई है। अगर अभी कुछ रोहित को हो जाता तो मैं रिलैक्स रिलैक्स, बच्चे हैं यार, होता है ना मासूम बचपन में। से सॉरी। सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी मम्मा। किस पल कर दे ये क्या किसको खबर, सपने लिए चले आँखों में ये नए नए, किस पल कर दे ये क्या किसको खबर। सोए कभी जागे से, दौड़े यूं ही भागे से, हमें कभी रुके ना कदम, ये बचपन आँखों का तारा, ये बचपन आँखों का तारा, छुई बुई का फूल जैसे हो प्यारा, पंछी नत खत ये आवारा। कबू साहब, आपको लगता नहीं है कि आपके बच्चे को ज्यादा शैतान है? शैतान नहीं, नादान है सर, छोटे बच्चे हैं वो। इसे नादानी नहीं शैतानी कहते। सर मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि प्यार में अंधे माँ बाप को बच्चों की कमी दिखाई देती नहीं है। सर ऑफ कोर्स आई लव माय किड्स, अगर ऐसे नहीं है वो। अगर प्रूव कर दूं तो? सर ट्राई कीजिए, प्रूव कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, आई एम प्राउड ऑफ माय किड्स। एक कोमल सी मुस्कान है आंखों में, नया जहान है। एक कोमल सी मुस्कान है आंखों में, नया जहान है। जब हंस के मिले लब इनके खिले, जैसे मन में बसे भगवान है। प्यारी प्यारी नादानी सा, थोड़ी थोड़ी मनमानी, लगे जो शैतानी सा क्या करे।
ये बचपन आँखों का तारा, ये बचपन ये बचपन आँखों का तारा, छुई बुई का फूल जैसे हो प्यारा, पंछी नटखट ये आवारा। नन्हे नन्हे पैरों की है दास्तान ये, सोचे तो छूने को चल दे आसमान ये। नन्हे नन्हे पैरों की है दास्तान ये, सोचे तो छूने को चल दे आसमान ये। दिल को छूने वाला कोई राग है कभी, तितली से इटलाते फिरते बेईमान ये। आशाओं की फुलझड़ियां गिरती फूलों की कलियां, पतंग सा लहराता ये उड़ चले। ये बचपन आँखों का तारा, ये बचपन आँखों का तारा, बिजली का फूल जैसे हो प्यारा, पंछी नटखट ये सारी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। डॉनर, किसका फोन है, किससे बात कर रहे हो? बोलना, तू बोल। शायद कोई हमारी तारीफ कर रहा था। हाँ। किसका फोन था? शायद रॉन्ग नंबर। चल तो रहा हूँ, कहाँ बच्चों की बात। पड़ोस में जाना ही चाहिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहू, रौनक, आइए आइए सर, आइए। कर्नल साहब, नमस्ते। नमस्कार, वेलकम, हैप्पी बर्थडे। चलो, अब कर्नल साहब भी आ गए, अब हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोहित, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये मेरे शेर दे पुत्र दे गिफ्ट्स, ये पापा की तरफ से, ये मम्मा की तरफ से, ये मम्मा की तरफ से, और ये रौनक की तरफ से। ओके, क्या हो रोहित? रोहित, क्या बात है बच्चे, इतना अपसेट क्यों है? पापा मम्मी, आप मेरा बर्थडे किसी और जगह क्यों नहीं मनाते? अगर आप मेरा बर्थडे सिटी में ही मनाते तो मुझे कितने सारे गिफ्ट मिलते। मुझे मालूम था कि शेर द पुत्र दो थोड़े से गिफ्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट का इंतजाम किया है। स्पेशल एंड सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ, सरप्राइज गिफ्ट। और पता है सरप्राइज गिफ्ट कहाँ रखा है? खुल जा सिम सिम। वेलकम बेटा। थैंक यू पापा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज गिफ्ट? अच्छा, बढ़िया है ना। हाँ, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। अरे देख देख, और रौनक, मेरी साइकिल ले रहा हूं, मेरी गिफ्ट है। रौनक किधर जा रहा है? रौनक रुक, रौनक रौनक रुक, रौनक किधर जा रहा है? रौनक रौनक रुक, रौनक रुक जा, अरे वो मेरी साइकिल है। रौनक,
पापा ये ऐसे करते हैं? इट इज वेरी सिंपल पापा। पापा अब तो सारे काम बहुत स्लो करते हैं। अच्छा बेटा बच्चे हो बच्चों की तरह रहो समझे। हम तुम्हारे पापा हैं, तुम हमारे पापा नहीं हो समझे। अरे हटाओ ना ये मिकी माउस यार। अरे पापा ये मिकी माउस नहीं है, बेंटन है। ये मिकी माउस है, ये शिनचैन है, और ये मेरा स्टार पैड है, और ये परमन है, और ये मैजिक पेंस है जो मैम ने मुझे गिफ्ट में दिए थे। ओह ठीक है, ये सब बच्चों की चीजें, ये सब मेरे को जानना जरूरी नहीं है। यस पापा, आप बड़े हैं तो जानते ही होंगी क्या है। ये बड़ों की चीज है। ये तो टेलीफोन है। अरे ये तो हम भी जानते हैं कि ये टेलीफोन है, इसकी दो कान और एक पूंछ होती है। रौनक, बट दिस स्मॉल इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाय एवरीवन टुडे। इट कनेक्ट पर्सन टू पर्सन अक्रॉस विलेज सिटीज कंट्रीज एंड मोर। वी कैन मेक लोकल एसटीडीएन आईएसजी कॉल स्पीड इंपल्सेस विद सेकंड्स एंड मिनट्स बाय ओनली डायलिंग नंबर। Best for communication and entertainment. It is used today by people for talking and chatting, sending and receiving messages, playing games, mobile and satellite. Phones commonly comes in models like landline, walkie-talkie, cordless, GSM, CDMA, mobile ring and different sound, ringtone, caller tune. All these was a simple revolution as by small invention called telephone. Yani ke dur dhwani yantra. Who invented it, Papa? Tell me. Graham Bell. Very simple. Aapko to pata hi nahi, Papa. रोहित ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है पापा। इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट ड्राइव फ्रॉम कोल, ऑयल, गैस एंड वाटर पावर। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वी कैन लाइट अ बल्ब, मूव अ फैन, कूल अ रेफ्रिजरेटर, हीट एन ओवन एंड वेरियस अदर थिंग्स। इट हैज मेक अ ग्रेट चेंज इन अवर लाइफ। टुडे इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन एवरी होम फॉर लाइट, फ्रिज, टीवी, कूलिंग एसी एक्सेट्रा। Current is of two types, AC and DC, alternating current and direct current. This invisible power is the biggest achievement of science. It starts in a small battery invention. So we all know who had invented electric battery. Generally, it is used in every life today. Papa, बच्चा कौन है? अभी बताता हूँ तुम्हें बच्चा कौन है? Alexandra कौन था? किसने battery बनाई थी? हमें बच्चा समझने की भूल मत करना। मिसेस सिंह, मिसेस सिंह, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी इन चीजों को किसने छुआ? नहीं तो वो बच्चे यहाँ आए थे? नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें बचाने के लिए? हर समय बच्चों का नाम क्यों लगाते हो? और थोड़ा सा छू भी लिया तो क्या हुआ? बच्चे हैं ना, तुम सब चीजें अलमारी में बंद कर दो। ये तुम्हारे पुराने से जूते, टूटी बोतल, ये सब अब फेंक दो ना। मिसेस सिंह, आप कभी मेरी इंसल्ट कर लीजिएगा लेकिन मेरी इन चीजों की इंसल्ट नहीं कीजिएगा। आप एक फौजी के जज्बातों को नहीं समझ पाएंगी। ये कोई मामूली जूते नहीं है। दुश्मन के साथ लड़ते हुए 12 दिन और 12 रात लड़ाई के मैदान में इन जूतों ने मेरा साथ दिया है। और ये पानी की बोतल, इसके अंदर के 3 घूंट पानी से मैं 3 दिन तक जिंदा रहा हूं। और ये मेडल, ये कोई पुरस्कार नहीं है। इसे कान के साथ लगाकर सुनोगी तो मेरे दिल की धड़कन सुनाई देगी तुम्हें, एक फौजी के दिल की धड़कन। ये सब बातें कहने में अच्छी लगती है, सच्चाई तो ये है कि हमने अपना बेटा खो दिया है। खो दिया? तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि खो दिया है? अगर हर माँ तुम्हारी तरह सोचने लगे तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? फौजी कौन बनेगा? मिसेस सिंह, तुम तो उन खुशनसीब माओं में से हो जिन्होंने अपने लाल खोए नहीं है, देश के लिए कुर्बान किए हैं। अपने देश के लिए मर जाना नसीब नहीं होता है। मेरे अगर और बेटे होते तो मैं उन्हें भी फौज में ही भेजता।
रणवीर सिंह, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, अपने भारत के संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेता हूँ। मैं अपने देश की आन और शान के लिए हमेशा अडिग खड़ा रहूंगा। न्याय और नियमों के लिए अपने आप को समर्पित रखूंगा और अपने नागरिक अधिकारों का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अधिनायक जय हे। भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल दितरंग तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जय हिंद। जय हिंद। ओ, तुम लोगों को भी मिठाई चाहिए हा? किस बात की मिठाई चाहिए हा? बोलो, शरारत करने के लिए हा? या बड़ों का अपमान करने के लिए, या फिर तिरंगे और राष्ट्रगीत का अपमान करने के लिए? नहीं मिलेगी मिठाई तुम्हें, जाओ यहाँ से। कर्नल साहब, छोटे बच्चे हैं, दे दीजिए ना। मिसेस सिंह, आप इस मामले में मत बोलिए। आज इन्हें यह एहसास होना चाहिए कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, राष्ट्रगीत का सम्मान न करके कितना बड़ा अपराध किया है। कर्नल साहब, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इस उम्र में अगर इन्हें सही और गलत का एहसास नहीं दिलाया जाएगा तो इस देश का भविष्य क्या होगा? नहीं मिलेगी मिठाई तुम्हें, चलो जाओ। अरे हाँ, वो तो सब ठीक चल रहा है, वो देखते हैं हम क्या। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुबारक हो कपूर साहब, आज तो आपके बच्चों ने शैतानियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले तो वो सिर्फ मेरा अपमान करते थे, आज उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान कैसे करना चाहिए आपने अपने बच्चों को ये तक नहीं सिखाया? क्या फायदा आपके पढ़े लिखे होने का? बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, और जब बच्चे देश की इज्जत करना नहीं जानते वो क्या भविष्य बनेंगे? मैं एक फौजी हूँ, मेरे सामने अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान का अपमान करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कपूर साहब, आपको नाज होगा अपने बच्चों पर, लेकिन मुझे ऐसे बच्चों पर शर्म आती है। शर्म, सिर्फ शर्म। Enough is enough। आज तुम लोगों की हरकतों की वजह से हम दोनों को कर्नल जी के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। और जिस तरह कर्नल अंकल तुम्हें डांट रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुम दोनों को? क्यों ऐसे काम करते हो? तुम्हें पता है कि बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उनके माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है, लेकिन वही बच्चे जब गलत काम करते हैं तो उनके माँ बाप का सर शर्म से झुक भी जाता है। उन्हें कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। और एक बात बताओ, क्या कभी हम लोगों ने तुम लोगों को नहीं सिखाया कि तिरंगे की इज्जत करनी चाहिए, उसे सैल्यूट करना चाहिए? कभी नहीं सिखाया तुम लोगों को, बोलो? और मैं तो हर जगह यही कहता हूँ कि मेरे बच्चे शरारती जरूर हैं, मगर बदतमीज नहीं है। लेकिन आज तुम लोगों की वजह से हमें कर्नल साहब के सामने बड़ा अपमान सहना पड़ा, मालूम है? I am very sad kids, very sad। सॉरी पापा। रोहित, रौनक, हम दोनों इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि तुम दोनों को कभी किसी चीज की कमी न महसूस। तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, तुम्हारी हर खुशी हर डिमांड पूरी करते हैं, तो क्या सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है? बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं?
अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। गुड नाइट। हेलो रोहित। हेलो रौनक। क्या बात है बेटा, चुप क्यों हो? मुझसे नाराज हो? मुझसे बात नहीं करोगे? क्यों? अंकल से मिलना है। वो तो अभी बाहर गए बेटा। आंटी ये अंकल के लिए, वैसे भी हमने उनको कभी जानबूझ के परेशानी नहीं किया। अंकल को हमारी तरफ से सॉरी कहना। हम नहीं चाहते कि हमारे मम्मी पापा का सिर हमारे कारण झुके। हम अंकल को परेशान करना नहीं चाहते। हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। पता नहीं कैसे गड़बड़ हो जाता है। मम्मी कहती है अगर गलती हो तो माफी मांग लेनी चाहिए। सॉरी सॉरी। और हम उनको कभी परेशान करेंगे ही नहीं। और हम कभी अंकल से बात भी नहीं करेंगे। और हम कभी आपके घर भी नहीं आएंगे। रुको रुको बेटा, मेरे घर जरूर आना, नहीं तो मेरा दिल नहीं लगेगा। बेटा मुझे मालूम है तुम लोग बहुत अच्छे हो। रुको रुको रौनक, रुको रहो बच्चे। आंटी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। पूछो बेटा। आपने उस बुढ़े कुसर को क्या देख के शादी की? क्या आंटी, आप कितने अच्छे हो और हमें डांटते भी नहीं हो। और वो अंकल हमेशा गुस्से में ही रहते हैं और हमें डांटते ही हैं। मुझे मालूम है बेटा तुम दोनों बहुत अच्छे हो, पर अंकल भी ऐसे नहीं थे। वो भी हमारी तरह तुम्हारी तरह हंसते थे, खेलते थे, बोलते थे। जब वो फौज में थे ना, सब उनकी जिंदा दिल के कायल थे। सबसे घुल मिल जाती थे वो, हर माहौल में मस्ती भर देती थी वो। हंस के कहता हूं सुन लो, जमाने से हंस के कहता हूं सुन लो, जमाने से दिल तो नाजुक है ये किसी पैमाने से। इसे बचा के रखना, इसे बचा के रखना हुस्न के निशाने से। के दर्द बहुत होता है, के दर्द बहुत होता है दिल के टूट जाने से। अरे स्वाद आ गया यार। पाए टूट जाए जुड़ न पाए, हाँ बड़ा नाजुक है ये। दिल कहूँ या आई ना इसे, हाँ बड़ा नाजुक है ये। अरे दिल कहूँ या आई ना,
थे कोई हसीना, यारो दिल को थाम लो। है जब भी गुजरे कोई हसीना, यारो दिल को थाम लो। जब भी गुजरे कोई हसीना, यारो दिल को थाम लो। बातों में दिल लूट ना जाए हो, बातों में दिल लूट ना जाए। हाँ बड़ा नाजुक है ये दिल, कहूँ या आई ना इसे। हाँ बड़ा नाजुक है ये, अरे दिल कहूँ या आई ना। ओ मैं क्या सर जी, रोमांस की गल्ला ते बहुत हो गई, इस तिरंगे दे बारिश की कहना थोड़ा दिल। मेरे दिल की आन तिरंगा है अपना ईमान तिरंगा, शान तिरंगा। दुश्मन को जिसने ललकारा, फौजी भारत माँ का प्यारा, फौजी भारत माँ का प्यारा। देश हमारा सबसे प्यारा, देश हमारा सबसे प्यारा। सोने की चिड़िया है ये, दिल कहूँ या आई ना इसे। हाँ बड़ा नाजुक है ये, टूट जाए जुड़ ना पाए, टूट जाए जुड़ ना पाए। हाँ बड़ा नाजुक है ये, दिल कहूँ या आई ना इसे। हाँ बड़ा बेटे के शहीद होने के बाद कर्नल साहब दुखी रहने लगे, वो चिड़चिड़े से हो गए। बेटा तुम पूछते थे ना कि कौन है ये? ये हमारे बेटे की बचपन की तस्वीर है, ये बहुत याद आती है इसकी। वी आर सॉरी आंटी। आप रो मत आंटी, हम भी तो आपके बेटे के जैसे ही है ना। अरे सुनील, हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है इस कमरे का। ये दोनों बच्चे भी ना कोई चीज जगह पे नहीं रखते। सच कह रही हूँ सुनील, बिल्कुल तुम पर गए। मेरे बच्चे हैं ना तो मुझी पर तो जाएंगे। वही तो कह रही हूँ, तुम्हारे बेटे हैं ना तुम पर गए, मुझ पर जाते ना तो थोड़े समझदार होते। बड़ी मुश्किल से सोए हैं शेरदे पुत्र, कहीं जाग गए तो। वैसे सोते हुए कितने मासूम लगते हैं ना दोनों। सच, क्योंकि दिखने में मुझ पर गए हैं ना इसलिए। ओ। अब चलो ना, सुबह ऑफिस जाना है। चलो बस बस, एक ईमेल और कर लेता हूँ। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात ही बताना भूल। क्या हुआ? एडवांस ट्रेनिंग के लिए ऑफिस से मेरा सिलेक्शन हुआ है। अरे वेरी गुड, ये तो बहुत खुशी की बात है। और पता है, इस ट्रेनिंग में अगर मैं पास हो गई ना तो मेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी। वाओ वेरी गुड, ये तो और भी खुशी की बात है। फिर जितना भी लोन हमने इस घर के लिए लिया है ना, हम जल्दी चुका पाएंगे। कितना सोचती हो तुम इस घर के बारे में, थैंक यू। पर एक प्रॉब्लम है सुनील। क्या? मुझे एक दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कब जाना है? नेक्स्ट मंथ 23rd। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी बैड वेरी बैड। क्या हुआ? अरे लेकिन तुम्हें तो मालूम है 23rd अक्टूबर को बैंगलोर में मेरी कॉन्फ्रेंस होती है और मैं हर साल वहाँ रहता हूँ। ठीक है, मैं
मैं अपना जाना कैंसिल कर देती हूँ। ट्रेनिंग तो नेक्स्ट ईयर भी हो जाएगी ना, मैं नहीं जाऊंगी इन दोनों को अकेला छोड़ के। वैसे कितनी बदमाशी करते हैं, कौन संभालेगा इन्हें। मैं नहीं जाऊंगी। यू डोंट मॉम, आपको ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, आप दिल्ली चले जाओ। अरे मॉम, अभी हम दोनों बच्चे नहीं है, अभी हम दोनों स्कूल से अकेले वापस आते हैं और हम अकेले घर में भी रह सकते हैं। अरे रोहित, रौनक, तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? ये दोनों ना बहुत बदमाश है, सो जाओ चुपचाप। गुड नाइट जूनियर्स। देखिए, मैं आपसे फाइनली कह रही हूँ कि मैं उन दोनों को घर में अकेला छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अरे डोंट वरी, एक काम करते हैं, घर के ऊपर और बाहर हम सिक्योरिटी कैमरास लगा देते हैं। आपको पता है, आपके बच्चे वो पहले ही लगा चुके हैं अपने कमरे में। ओ एक आइडिया आया है, कल चलते हैं। कहाँ? पड़ोसी कर्नल अंकल के घर। फैंस से जीना है तो होशियार हो जाइए। अभी अभी सूचना मिली है कि दो छाते चोर, जिनके पुलिस को काफी अरसे से तलाश है, मोहिली इलाके में देखे गए हैं। ये दोनों बहुत ही खतरनाक हैं, जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसीलिए सावधान हो जाओ, खबरदार हो जाओ। हो सकता है दोनों खूंखार अपराधी आपके आसपास ही कहीं हों, या फिर हो सकता है वो आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हों। किसी भी अनजान व्यक्ति को देखते ही पुलिस को इत्तला कर दें। ये दोनों अपराधी काफी खतरनाक हैं, ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधान हो जाओ, खबरदार हो जाओ, खबरदार, होशियार। चैन से जीना है तो होशियार हो जाओ। हम बताते हैं इन दो खूंखार अपराधियों की पिछली जिंदगी। आइए क्या हम अंदर आ सकते हैं? दरवाजे पे बंदूक ताने खड़े रहेंगे तो मेहमान अंदर कैसे आएंगे? नमस्ते। 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 गुड इवनिंग। आइए। दरअसल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी, बच्चों के बारे में। आंटी, बस एक ही दिन की बात है, बोलो ना। एक्चुअली अब हमारे बच्चे बिल्कुल शैतानी नहीं करते और आपसे थोड़े घुलमिल भी गए हैं। और वैसे भी नेक्स्ट डे मेरी 12 बजे की फ्लाइट है और दो बजे तक तो हर हाल में मैं यहाँ पहुँच ही जाऊंगी। और मैं भी 12 बजे तक रात को फ्लाइट से वापस आ ही जाऊंगा। मगर आप हमसे क्यों कह रहे हैं ये सब? एक्चुअली आंटी, मेरी दिल्ली में एक ट्रेनिंग है और मैं बेंगलोर में अपनी ईयरली कॉन्फ्रेंस को मिस नहीं कर सकता, इसलिए हम जरा आप आंटी सिर्फ एक दिन के लिए अगर आप दोनों बच्चों को संभाल लें तो। सिर्फ एक दिन की बात है। ओ, बस इतनी सी बात है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों को अपने पास ही रख लूंगी। बहुत प्यारे बच्चे हैं ये। थैंक यू सो मच आंटी, आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हम दोनों गारंटी लेते हैं, बच्चे आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। हाँ। रौनक, रोहित, प्रॉमिस करो आंटी से आप बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। और वैसे भी तो सॉरी बोल ही दिया है। क्यों गणेश साहब, आपने तो आज प्रूव कर दिया कि फौजियों का दिल बहुत बड़ा होता है। फौजियों का दिल बड़ा होता है, पड़ोसियों के लिए बड़ा नहीं होता फौजियों का दिल। कुछ कहा सर आपने? मेरा मतलब पड़ोसी का काम आएगा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। बस बच्चों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट आंटी। बाय 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 बेटा। हमारा घर कोई चिड़ियाघर है जो वो दोनों बंदर यहाँ आके रहेंगे? तो आप मान गए ना कि ये चिड़ियाघर है? मेरा मतलब है हम लोगों ने ठेका लिया हुआ क्या? तुमने हाँ क्यों कहा? उनको मना क्यों नहीं कर दिया? क्यों, आखिर वो हमारे पड़ोसी हैं, हम जरा सा उनके काम नहीं आ सकते क्या? मुझे किसी पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी वो दोनों बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो क्या एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा? देखिए, आपको अच्छा लगे या ना,
मैं उनको ना नहीं कह सकती हूँ, बहुत अच्छे हैं। मैं कहता हूँ तुम्हें जाके मना करना पड़ेगा। एक मिनट मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, सारा दिन कैसे झेलूंगा। ये मुझसे नहीं होगा। तुम अभी जाओ जाके मना करो। कहा ना, नहीं। तुम अभी जाओ जाके मना करो। नहीं करूंगी, क्या कर लोगे? मैं खुद जाके उनको बोल देता हूँ, जाके बोल देता हूँ खबरदार मेरे घर में है, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात है बच्चों, हम सुबह 5 बजे की फ्लाइट से जाएंगे और परसों 10 बजे की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे, समझे? पापा मेरे लिए वीडियो गेम लेके आना। श्योर, नो प्रॉब्लम। और पापा मेरे लिए रिमोट कंट्रोल वाली कार भी लेकर आना। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा जरूर। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बिल्कुल होशियार रहना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इस घर में अकेले हो, ओके? और पिज्जा बिल्कुल ऑर्डर मत करना, किसी को फोन भी मत करना, समझे? कर्नल आंटी के साथ ही उनके घर जाना और हमारे घर को लॉक करना बिल्कुल मत भूलना। और तुम दोनों बिल्कुल मस्ती मत करना, और जब कर्नल आंटी तुम दोनों को लेने आएंगी तभी घर से बाहर जाना। ओके, और घर पे लॉक करना बिल्कुल भी मत भूलना। यस यस मामा। वक्त पे खाना खा लेना, नहा लेना, फ्रिज में सारी चीजें रखी है मैंने, ठीक है? यस मामा। यस मामा। प्रॉमिस प्रॉमिस। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, ये मोबाइल फोन। अगर लैंडलाइन काम ना करे, अर्जेंट बात करनी हो तो तुम दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये लो, वन मिनट रोहित, वन मिनट। ये छोटा है, इसको इसके पास रहने दो, समझे? ओके, वैसे तुम दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हो। चलो खाना खाओ। पापा देखो ना, परेशान कर रहे हैं। रोहित, रोहित बहुत बदतमीजी हो रही है। पापा क्या आप सचमुच जा रहे हैं? हाँ बेटा, काम है ना। और मम्मी भी? हाँ बेटा, एक दिन की बात है, हम दोनों आ जाएंगे। पापा मम्मी, आई विल मिस यू। वी मिस यू टू बेटा। हम लोग जल्दी आ जाएंगे बेटा, अभी बस मैं थोड़ा सा काम कर लूं, फिर मैं तुम्हारे पास आती हूँ। हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? चल। ओके बाय। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे मैं देख रहा हूँ, कहाँ है वो? कौन कहाँ? अरे वो दोनों। कौन दोनों? वो दोनों बच्चे नजर नहीं आ रहे। ओ रौनक और रोहित। कमाल के आदमी हैं आप, वो दिखते हैं, खेलते हैं, तब परेशान होते हो आप। आज वो सामने नहीं है, सब शांति है, तब भी आप परेशान हो। शायद मेरी तरह आप भी मिस कर रहे हो उन्हें। बहुत भोली हो तुम, तुम्हें मालूम नहीं है तूफान से पहले जो खामोशी होती है बहुत खतरनाक होती है। वो दोनों इस वक्त खामोश है, जरूर कोई तूफान आने वाला है। अगर मुझे लग जाती तो मैं मम्मी से शिकायत करूंगा। नहीं नहीं नहीं। और पापा से मार भी खिलवाऊंगा। ओह अरे रौनक, ओ गिर गया। ओ कुछ आवाज सुनी आपने? तुम टेंशन मत लो, सुबह की फ्लाइट पकड़नी है, चलो फटाफट करते हैं और बच्चों के रूम में चलते हैं। तू अपने आप को संभाल, मैं कुछ करता हूँ। हाँ।
रौनक, रोहित, रोहित, रो, रौनक। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कंप्यूटर वहां पर पहुंचा कैसे। आज के बाद ना तुम दोनों को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। अरे यार जानू मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। ओफो छोटे बच्चे हैं ये। अरे और भी तो बच्चे हैं ना इस दुनिया में, क्या वो अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते? अगर इन दोनों का हमारे सामने ये हाल है तो हमारे पीछे क्या करेंगे? हा? ओके ओके एक काम करो रोहित और रौनक, चलो कान पकड़ के मम्मी से सॉरी बोलो और माफी मांगो। नहीं 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 मेरी वजह से ना हुआ है, ये सब रोहित की वजह से हुआ है। नहीं बाबा, ये रौनक है ना, इससे ये सब। रौनक चुप, ये नहीं सुनना मुझे कि किसने किया और क्यों किया। और ये सब आपके लाड़ और प्यार की वजह से हुआ है। आप ही के लाड़ प्यार ने इतना बिगाड़ दिया है। दोनों मेरी एक बात नहीं मानते। तुम लोगों के लिए काम करती हूँ, तुम लोगों के लिए जीती हूँ मैं। अगर आज कुछ हो जाता तो। अब तुम समझने की कोशिश करो ना प्लीज। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, नहीं करनी मुझे नौकरी और प्रमोशन भी नहीं चाहिए मुझे। जिस दिन मैं कहीं चली जाऊंगी या मुझे कुछ हो जाएगा ना, उस दिन आप लोगों को मेरी वैल्यू पता चलेगी। अरे सुनो, रुको, 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 संजना मेरी बात सुनो। कोई भी मत आना मेरे पास।
floor thing. That's right. Shuhangi! Sexy, sexy Olivia. Rohit, मैंने तुम्हें सख्त मना किया था ना? Why are you touching my personal things? Sorry, Papa. It's okay. आइंदा से ऐसी गलती मत करना. Ronan? मेरे को वो तू बना रहे थे. अभी बता दो. रानक रुक. अभी बता दो, रुक तू. रानक रुक. रौनक, हम मेरे घर पे अकेले हैं। हाँ, मम्मी पापा तो चले गए। मम्मी पापा चले गए? हाँ, मम्मी पापा तो चले गए। यानी वी आर द किंग। Woo!
उम्मीद करता हूँ आज तुम दोनों कोई गड़बड़ नहीं करोगे। देखो आज मेरे खास मेहमान आए हुए हैं एंड आई डोंट वांट एनी ट्रबल। कुछ नहीं करेंगे ना, मेरे पास बैठ जाएंगे, नई शैतानी करेंगे। नहीं, मुझे इन दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इतने सालों बाद कर्नल कपूर और उनकी पत्नी मेरे घर आए हैं और मैं उनके लिए पनीर के पकौड़े बनाना चाहता हूँ। नहीं रहने दो ना आंटी, हम यहाँ पे खेलेंगे। That's better. Okay, बेटा। रोहित रोहित वो देख वो देख वो देख अरे वो देख क्या मिला वो देख अरे वो देख वो देख अरे हाँ मैं देखता हूँ। अरे बाप रे ये क्या हुआ? कितने सालों के बाद आज मिले हैं, आज आपके हाथ की बनाई डिश खाने का मौका मिला है। वरना बॉर्डर पर इतने सालों से इनके हाथ के बनाए खाने की वजह से हम तो घर को भूल ही गए थे। हाँ भाई साहब, मैंने आपके हाथ के बने खाने की बड़ी तारीफ सुनी है। चलो आज मुझे भी आपके हाथ के बने पकौड़े खाने का मौका मिल ही गया। वाह, जब खुशबू इतनी बढ़िया है तो स्वाद तो लाजवाब होगा ही। मैंने उठाता तो क्या करता? तो बेंट गिर गया ना, अंकल गुस्सा हो गया ना, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर बैठे रहूं क्या? फोन बजा, पापा का फोन, मम्मी का फोन, पापा का फोन, मम्मी का फोन, पापा का फोन, मम्मी का फोन, पापा का फोन, मम्मी का।
फोन था? पापा का फोन था। फोन लगा ना। इंगेज आ रहा है। तो फिर मम्मी को लगा। हाँ मैं बिल्कुल अच्छे से पहुंच गई हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मेरी। और आप? I'm fine. बस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। जस्ट अभी हेड ऑफिस पहुंचा हूँ। हाँ, मेरी भी ट्रेनिंग बस अब शुरू होने ही वाली है। अच्छा सुनिए, आपने बच्चों से बात कर ली ना? वो पहली बार छोड़कर आ रही हो ना, तो चिंता सी हो रही है उनकी। ये भी इंगेज ही आ रहा है। मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। हेलो। अरे रोहित। हेलो पापा। अरे रोहित कैसा है बेटा? आई एम फाइन पापा। ठीक हो ना तुम लोग? हम लोग ना बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, अपना खाने पीने का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा। रौनक कहाँ है बेटा? अभी जस्ट नीचे गया है। और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, कोई भी इधर तो शैतानी मत करना। ओके ओके पापा, बाय पापा। हाँ बेटा, टेक केयर, बाय बेटा। बाय बाय। रौनक, रौनक, रौनक पापा से बात हो गई। क्या कर रहा था? किसको फोन किया? मुझे भूख लग रही थी। पापा ने बाहर की चीजें ऑर्डर करने के लिए मना किया था ना? अगर किसी को पता चल गया हम घर पे अकेले हैं तो? कुछ गड़बड़ नहीं होगी रोहित। बॉस, क्या बात है! पुलिस से भागते भागते ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में आ गए। ये डब्बा बॉस, डब्बू। हे अपुन के वास्ते तू डब्बा, खाली डब्बा। ए तू तू मर गया क्या? तेरा डेथ हो गया? क्यों? देख, आदमी जब मर जाता है ना तो स्वर्ग में जाता है। तेरे लिए तो नरक में भी जगह नहीं। चला। लेकिन बॉस, बॉस मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तो बोल रहा हूँ बॉस, क्यों ना यहाँ ही छुप जाए। ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है। ये जगह तो एकदम सही है बुलू, एकदम सही जगह है। बड़ा बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा लोग, अपुन के वास्ते छिपने के लिए इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। बॉस, यहाँ छुपने के साथ खाना भी मिल जाएगा ना? बॉस, जब भी आप इधर मारते हो मेरे को बापू की याद आती है। अभी पीछू मारेगा ना तो नानी याद आएगा। देख लो, खाने के अलावा कुछ और सोचता है क्या? जब देखो खाना खाना खाना। ये तेरे खाने के चक्कर में एक बार अपुन पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, मालूम है? ये तू भूखा पैदा हुआ था क्या? चल अभी चल। बॉस कहाँ? वहाँ। लेकिन वहाँ क्यों? बॉस कौन? नहीं, आप बॉस। तो जैसा अपुन बोलता है वैसे ही करने का। चल। ओके बॉस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रोहित। हु इज देयर? यू आर लविंग पिज्जा। Pizza. Take the pizza and give the money. 160 okay, rupees. Okay, take. Rohit, take the pizza first. Yes, Papa. Sir, actually I don't have change for 160 rupees. Papa, change. Arre, why don't you bring the change with pizza also? Okay, you keep the change. Thank you. Thank okay. You. अंकल, 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 अंकल,
क्या है? मुझे मालूम है तुम्हारी शैतानी का फिर से कोई नया बहाना है। तुम जाओ वरना मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। नहीं सच में सच में तो चोर है वहाँ पे। चोर? किसी की मजाल है कि कर्नल के घर की तरफ कोई नजर उठा के देखेगा? जाओ तुम अपना घर देखो। अंकल सच में अंकल जो ऊपर है ऊपर ऊपर तो शट अप अंकल सच में सही में ऊपर है। तुम जाओ अपने घर में ना गोली मारूंगा। डर गए इन्हें मालूम नहीं है फौजी बच्चों पे गोली नहीं चलाते। ए रौनक कितना बोरिंग हो रहा है। अरे बहुत बोर हो रहा है। तो फिर क्या करे? चल घूमने चलते हैं। हाँ रौनक आइसक्रीम। डोनेशन दो ना। अंकल ये अनाज क्या होता है? जिन बच्चों के माँ बाप भगवान के पास चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं बेटा। क्या हमारे मम्मी पापा भगवान के पास चले गए? वो आ जाएंगे। मम्मी पापा बाहर गए वो जरूर आ जाएंगे। Thank you.
globalization. Mrs. Singh? Mrs. Singh? Mrs. Singh? असली माल इधर है। हे बॉस, ये तो पुराने जमाने का बाबा अदब का घिसा पिटा सिक्के और मेडल्स है। इनकी मार्केट में क्या वैल्यू आएगी? रख दो यहाँ। एक कान के नीचे दूंगा यार बाबू। ये तेरे को मालूम नहीं, ये एंटीक पीस है, एंटीक। इसका फॉरेन कंट्री में बहुत वैल्यू है, बहुत पैसा मिलता है। ऐसा बॉस? टिडिंग। ये डब्बू डबार बॉस, कमाल। चल जल्दी वापस सामान ले आना। चल यार, टेस्ट देख लेते हैं। बैठ, मैं लेट गया हूँ जाके। ये तो कर्नल अंकल की गाड़ी है और बॉक्स भी उनका है। हाँ, लगता तो यही है। लगता है ये दोनों चोर हैं। बॉस, अरे ये दोनों तो वही चोर है ना जिनको हमने खिड़की पर पिज्जा खाते हुए देखा था। अरे हाँ बॉस, क्या बात है? लग रहा है कि बच्चा लोग अपुन के बारे में बात कर रहे। अपुन के बारे में? ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपुन के बारे में जान गए। अपना माल मिल गया है, यहाँ से भागते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। हाँ चलो भाग चलते। सॉरी 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 सॉरी। पता करना जरूरी कि क्या बात कर रहे थे। नहीं नहीं बॉस, हम लोगों को माल मिल गया, यहाँ से भागते हैं। इनका पीछा करना जरूरी है। बॉस, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से भागते हैं। बॉस कौन? आप बॉस? ठीक है बॉस। ये कॉलोनी में बच्चा लोग के अलावा कोई नहीं। बॉस, आपको कैसे पता चला कि बच्चों के अलावा कोई नहीं है? एक्सपीरियंस जो तेरे पास नहीं है। अब खड़ा खड़ा मुंह मत बना और जाकर देख कि घरों में किधर किधर से घुस सकते हैं। मैं जाऊं। बॉस कौन? बॉस था आप। तो फिर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। तो जा जा जा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।
तुम लोग शैतानी, मैं भी मारता हूँ तुम्हें। एक और, एक और, ये लो, अभी मैं अपनी बंदूक निकालता हूँ, गोली छोड़ा दूँगा। बस बस, आपका ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया। वहाँ तो कोई खड़ूस आदमी दो बच्चों को जोर जोर से मार रहा था और बच्चे रो रहे थे। क्या बकवास कर रहा है? तू तेरा आंख से देखा? अरे बॉस, मैंने अपने कानों से सुना। ये अपुन का एक्सपेंस बोलता है कि इधर बच्चों के अलावा कोई नहीं रहता, समझे ना, जिनको लूटना बहुत ही इजी है। चल तू अंदर बैठ, अंदर बैठ, अंदर बैठ, जल्दी कर। रात में 2 बजे आएंगे, बच्चों को डराएंगे और पूरा माल साफ करके ले जाएंगे। लेकिन बॉस, इतना सारा माल तो मिल गया। मेरा बापू कहता है लालच बुरी बात है। और मेरा बाप बोलता था कि जितना लूट सकते हो लूट लो। लेकिन बॉस। बॉस कौन? बाबा नहीं है, आप बॉस। तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसे कर। रात में आएंगे, पूरा माल साफ करेंगे। ठीक है ठीक है, चलो बॉस चलो। हेलो हेलो, हमें कब से फोन लगा रही हो, घर पे फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, बच्चे भी फोन नहीं उठा रहे। आपकी बात हुई उनसे? मैं इसलिए आपसे कह रही थी कि मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं देखता हूँ, मैं बात करूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ संजना, तू इतनी परेशान क्यों है? सुन सुन सीमा, मुझे बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा। तू मेरा सारा लगेज है ना, तू ले आना, ठीक है? बाय। कचरा गया आंख में। कचरा? हाय गाइस, पकड़ सकते हो हमें? तो पकड़ के दिखाओ। हिम्मत है? हिम्मत है क्या? yeah!
शैतान है तो अपन भी शैतान के बाप हैं। डब्बा 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 इडियट, जिंदगी भर डब्बा ही रहेगा तू, ध्यान नहीं देता। ए! कौन है सामने आ चुए डरपो? फिर क्या हुआ? दोनों आंखें मुड़ गई। हाँ, लगा लगा फिर लगा लगा, बोला था ध्यान दे ध्यान दे। बॉस कहाँ हो? अरे मैं इधर हूँ। आप इधर उधर कहाँ हो? अरे इडियट मैं इधर है। अच्छा ये बताओ कौन है? ये कितना? ये कितना है? क्या? ओ, ओ, क्या क्या डब्बा डब्बा कहाँ गया? डरपोक भाग गया, लेकिन मैं नहीं डरने वाला हूँ। अंकल कौन है? सामने से छोड़ो, पीछे से संभालो। बॉस बॉस बॉस, कितना टाइम और लगेगा? अभी 4 घंटे लगेंगे मैम। Boss!
मैं कर्नल अंकल के घर पे जाता हूँ। हाँ, मैं इन लोग को संभालता हूँ, तू कर्नल अंकल के घर पे जा। पापा और पुलिस को जल्दी से फोन करके आ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। यू कैन डू इट ना? यस, टेक केयर। पता चला? हाँ बताइए ना, क्या हुआ? कहाँ पहुँची हो तुम? ये रौनक रोहित फोन क्यों नहीं उठा रहे? कुछ तो पता लगाइए इधर। प्लीज प्लीज टेक केयर। कपूर, क्या बात है? सर, मिस्टर कपूर के बच्चे घर पर अकेले थे, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कपूर रिलैक्स, तुम बच्चों को यहाँ क्यों नहीं ले आए? सर मैं क्या बताऊँ आपको। रिलैक्स 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 कपूर। नीरज, तुम एक काम करो, गो एंड डू द अरेंजमेंट। ओके, सब ठीक हो जाएगा। अब तो दूसरा भी मिल जाएगा। यहाँ है दूसरा। रौनक भाग! बॉस, तुम ठीक तो ना? ए! उनकी कमर इनके साथ क्या सुलूक किया जाए बताओ? वही जो इन्होंने हमारे साथ किया। घुसी तो ज्यादा हूँ सर। यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ है? ओ भाई, जो भी हुआ है कमाल हुआ है। इतने खतरनाक चोर और यहाँ ढेर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने ऐसे खतरनाक चोरों को इस उम्र में पकड़कर बहुत ही बहादुरी का काम किया है। मैं वही तो कह रहा था आपको,
कि इन्होंने इस उम्र में ऐसे खतरनाक चोरों को पकड़कर बहुत ही बहादुरी का काम किया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बॉयज वेरी गुड। नॉटी किड्स गुड किड्स एंड गुड इंडिया गुड फ्यूचर। सर इनको होश नहीं आ रहा है। होश नहीं आ रहा है? अरे देखो मम्मी रौनक रोहित तुम लोग ठीक तो हो ना बेटा? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? कितनी डर गई थी मैं पता? मम्मा ये देखो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इनको बहुत मारा। दिशुम दिशुम मार और हवा भी निकाल दी। हाँ। मम्मा प्रॉमिस करती है अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मम्मी आप तो आ गए पर पापा किधर है? बेटा पापा बस आते ही होंगे, एक्चुअली मैं बस जल्दी जल्दी में आ गई हूँ। पापा हाय जूनियर मैं आ गया। पापा हाउ आर यू इज एवरीथिंग फाइन? हाय जूनियर मैं आ गया, कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? आर यू ओके माय जूनियर्स? सब कुछ ठीक है ना? देखो तुम्हारे शेर दे पुत्रों ने आज किया क्या है। क्या किया? आपने हमारे बच्चों के लिए जो कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे बच्चों की वजह से आपको जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं मिस्टर कपूर, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए इन बच्चों से। मैं इन्हें आज तक शरारती और शैतान समझता था और ये तो बुद्धिमान और बहादुर निकले। क्या बात करें सर, सच में मिसेस कपूर आपके बच्चे बहुत बहादुर हैं। इन दोनों ने तो हमारी जान बचाई है। क्यों? जी 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 यस, यानी कि शेर दे पुत्र। ओह रियली वेरी गुड। ये लीजिए अंकल आपका कीमती मेडल बॉक्स। चोरों ने इसे चुरा लिया तो और हमने इसे बचा लिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मेडल मैंने देश के दुश्मनों के साथ लड़ते हुए जीते थे, लेकिन आज तुम्हारी बहादुरी देखकर ये मैं तुम्हें पहनाता हूं। इसके असली हकदार तुम हो। भारत मां को ऐसे ही सपूतों की जरूरत है। भगवान सभी मां बाप को ऐसे ही बच्चे दे। थैंक यू। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी चलिए मिसेस सिंह। अब तो तुम दोनों हमारे घर आओगे ना बच्चों? अब तो अंकल भी तुमसे नाराज नहीं है। क्यों नहीं आएंगे आंटी, एक ही तो ब्यूटीफुल गर्ल है हमारे कॉलोनी में। ए रोहित हम दोनों का प्रॉमिस हुआ था ना कि आंटी मेरी गर्लफ्रेंड है। और उस दिन कर्नल साहब की हंसी उस माहौली मेड्यूज में ऐसी गूंजी कि कर्नल साहब खुद अपना डिसिप्लिन भूल के बच्चों के रंग में रंग गए और दिन खूब मजे में कटने लगे।
फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। कपूर साहब आप? मुझे कपूर, अब आपके बच्चे सुधर गए हैं और आप? सर आप भूल गए, आप ही ने एक दिन कहा था कि आपके बच्चों का निशाना बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने भी फैसला कर लिया है। निशाना अच्छा? फैसला कर लिया? क्या मतलब है आपका? सर आपके देश प्रेम और भारत माँ के प्रति आपकी भावनाओं को देखते हुए मैंने भी एक फैसला किया है कि मैं अपने दोनों बेटों को बड़े होके इंडियन आर्मी ज्वाइन कराऊंगा। जय हिंद। मिस्टर कपूर, आई एम प्राउड ऑफ यू। जय हिंद सर। जवान आगे आगे कूदो, भारत माँ को बचाना है। हिम्मत से शाबाश, आगे बढ़ेगा जवान। दुश्मन को हराना है, भारत माँ के लिए आगे बढ़ो, जाओ। भारतीय जवान हमारे राष्ट्र की धरोहर है। उन्होंने जो कुर्बानियां हमारे देश की रक्षा के लिए दी, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को भारतीय सेना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस देश के प्रति और भारत माँ के प्रति। जय हिंद। उनको नहीं देखा तो क्या देखा? आइला।